हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं विरद आप लोगों का स्वागत करता हूं सिलेक्शन मेंटर के इस यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए आंसर की लेकर के आया हूं 20 सितंबर 2020 में जो समीक्षा अधिकारी 2016 का एग्जाम हुआ है, आर ओ ए आर ओ यूपी आर ओ ए आर ओ 2016 का जो एग्जाम हुआ है उसका सबसे शुद्ध आंसर की मैं यहाँ पर लेकर के आने का प्रयास किया हूँ। और मोस्टली जो क्वेश्चन हैं वो आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर आज 20 सितंबर को दो पाली में हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट जो हुई थी वो सुबह 9:30 बजे से थी, 9:30 से लेकर के 11:30, यानी 2 घंटे का पेपर हुआ था जिसमें जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, जनरल स्टडी के क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें 140 क्वेश्चन थे, 140 क्वेश्चन। और सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, सेकेंड शिफ्ट का पेपर 2:30 से लेकर के 3:30, यानी कि आपका 1 घंटे का पेपर था ये जनरल हिंदी का। और जनरल हिंदी के इस क्वेश्चन में आपके 60 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये 2 आवर का क्वेश्चन पेपर था और ये 1 आवर का क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, तो ये तो हो गया एनालिसिस। अब फटाफट से चलते हैं, मेरे पास में जो सेट पेपर है उसको हम यहाँ पर आपको आंसर्स देने का प्रयास करते हैं। देखिए, सेट पेपर नंबर डी हमारे पास है, हम उसका आंसर देंगे आपको। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर देना और सारे लोगों के बीच में भी इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि ये सीरीज नंबर जो है वो डी है और इस सीरीज नंबर डी के आंसर्स को मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सब लोग इसके अनुसार अगर अपनी आंसर की मिलाते हैं तो जो कमेंट्स बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से आप जो है अपने मार्क्स जरूर बताइएगा। अटेम्प्टेड क्वेश्चंस कितने हैं, उसमें से करेक्ट कितने हैं, माइनस मार्किंग के बाद कितने आ रहे हैं, इनका इनका डिटेल जो है जरूर मुझे सभी लोग प्लीज़ जो है दें, जिससे कि मैं एनालिसिस कर सकूँ कि इसकी क्या कट ऑफ जा सकती है। पेपर की अगर हम बात करते हैं तो पेपर जो है वो ईजी से लेकर के मॉडरेट वे में रहा। इसको हम हार्ड तो नहीं कह सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले जैसे आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से एक पेपर कराया गया था जो कि बीईओ का था। ठीक है, बीईओ का पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ था, वो मतलब वो हार्ड लेवल पे था और ये इजी टू मॉडरेट लेवल पे है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें देख सकते हैं, 2 घंटे है, 140 क्वेश्चन है। ये जीएस का पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अभी इसके बाद में दूसरी वीडियो में आपको हिंदी का भी दूंगा, हिंदी का भी आंसर की दूंगा। फिलहाल यहाँ पर देख लेते हैं कुछ चीज़ें। एक नई चीज़ यहाँ पर ये है कि इसमें जो माइनस मार्किंग है उसका भी प्रावधान किया गया था, जबकि जो है नोटिफिकेशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। तो 1/3 की माइनस मार्किंग भी है, 1/3 जो है माइनस मार्किंग भी यहाँ पर लगाई गई है। तो इसके लिए देखते हैं कुछ विवाद होता है या नहीं होता है। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और एक एक करके सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेट जो है वो डी है। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर दूंगा। पूरा सोल्यूशन हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे केवल क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऐसे करके सारे आंसर लिखते देंगे जिससे कि आप जल्दी जल्दी आंसर मैच कर सकें। ठीक है, चलिए, तो पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित यहाँ पर है। तो पहला वाला जो इसमें विकल्प है वो सही है, दूसरा वाला गलत है। तो इसका केवल एक सही है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रमाणित बीजों के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग को टैग का रंग कैसा होता है। तो प्रमाणित बीजों के थैलों पर प्रयोग किए जाने टैग का रंग जो है वो नीला होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ए है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित है, इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित पूछा गया। तो सही सुमेलित इसमें से इटावा पायलट प्रोजेक्ट वाला है, अल्बर्ट मायर से सुमेलित है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आलू के लिए यहाँ पर भाई आगरा होगा, आगरा। ठीक है, फरुखाबाद नहीं होगा, तो यानी जो है सही सुमेलित नहीं है, तो नहीं है में यही आ जाएगा। ठीक है, बाकी सारे सुमेलित हैं। देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा 2020 में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल यानी पीपीपी मॉडल के अंतर्गत शुरू करने वाला राज्य कौन सा है। तो ये राज्य है महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ए। इसका करेक्ट आंसर बी था। ठीक, तो चौथा क्वेश्चन हो गया, पांचवा क्वेश्चन हो गया, छठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। DICGC के बारे में पूछा गया है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इसके बारे में कथन एक और कथन दोनों सही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में मिलान करना है और मिलान करने के लिए यहाँ पर 4 बैंक दिए होते हैं। इंडियन बैंक जो है, ए जो है इंडियन बैंक, ये जो है सार्वजनिक बैंक है, तो ए का हो जाएगा 4। तो ए का 4 इन दो जगहों पर दे रहा है। ठीक है, उसके बाद ICICI बैंक जो है वो निजी बैंक है, तो बी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बी का 3 यहाँ पर है, ए का 4 यहाँ पर, और किसी ऑप्शन में है नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो मैं ये सेट नंबर सॉल्व कर रहा हूँ, सेट डी सॉल्व कर रहा हूँ, और सभी लोगों के क्वेश्चन यही होंगे। ABCD के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ क्वेश्चन के जो पोजिशन है वो अलग अलग जरूर हो सकती हैं, तो आप इससे मैच कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
नीचे दिए गए कथनों को अगर देखा जाए तो ए और बी कथन और कारण के रूप में दिए गए हैं। तो पहले कथन पढ़ते हैं। ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत आरबीआई एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है, ये बिल्कुल सही है। और इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाना है, बिल्कुल। ये तो ए और आर दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखित व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। मेरी ख्याल से इसका आंसर जो है मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर जो है वो रोजगार सृजन होना चाहिए, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। बाकी आंसर की में देखेंगे आयोग की तरफ से आंसर की जाएगी उसमें क्या आएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है, तो नगरीकरण का सबसे स्तर निम्न जो है वो आपका कौन सी जगह पर है, बी पर है, डी यानी कि पश्चिम बंगाल। चलिए अगला यहाँ पर है जरवा जनजाति। जरवा जनजाति के बारे में, जनजातियों के बारे में मैंने आप लोगों को यूपी पीसीएस में पढ़ाया हुआ है। यूपी पीसीएस का इस समय जो है सफलता बैच चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, निशुल्क बैच है वो। सुबह जो है 7:30 बजे से चलता है। इसको करने के लिए आप जो कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा 8953589535957, और नीचे जो है बॉक्स में भी दिया हुआ है यहाँ पर अपना नाम और UPPCS 2020 लिख करके अपना जो है यहाँ पर एनरोलमेंट करा सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है सभी के लिए, आराम से आप जितना पढ़ाया जा रहा है उतना तो पढ़ ही सकते हैं एटलीस्ट। तो जरवा जनजाति के बारे में मैंने बताया, जनजाति जो है कहाँ की, अंडमान और निकोबार की, अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ाया, 3-4 दिन पहले। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सूची एक और दो को जरा सुमेलित करते हैं, ठीक है। सूची एक और दो को जब सुमेलित करेंगे तो हमको यहाँ पर खनन क्षेत्र और खनिज के बारे में पता चलता है, मिलान करना है। तो बहुत ही इजी सी है, कोई जरूरी नहीं है कि चारों आपको आएँ। दो तो बहुत ही फेमस है इसमें, जावर और जादूगोड़ा। तो जादूगोड़ा C2 यानी कि 12 का अगर हम देखें तो C2 हमको मिल रहा है, और C2 हमको कहाँ पर मिलेगा, C2 केवल एक ही जगह पर मिलेगा, बाकी ऑप्शन हमें चेक ही नहीं करने, बड़ी स्मार्टली हम इसको जो है आसानी सॉल्व कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। टाइम बचाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, अगर आप देख लीजिए सबसे पहले किसी एक चीज़ को, अगर वो इकलौती मैच कर रही है तो बाकी मैच करने की जरूरत नहीं है। भारत के मानसून की उत्पत्ति लिखित पवनों में से किसके पवनों के द्वारा होती है, देखिए ये तो दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा होती है, लेकिन देखिए जैसे ये मैप है तो मैप में अगर देखा जाए तो ये जो पवन होती हैं ये आपकी जो है व्यापारिक पवन हैं, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये पूर्व से दक्षिण की ओर आ रही हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं पूर्व और दक्षिण की ओर आ रही है, लेकिन यहाँ पे साउथ से आने वाली पवन जो है इस तरीके से जाके ऐसे यहाँ पर बारिश आती है, तो दक्षिण पश्चिम पवन इनको कहा जा सकता है। कुछ मामले में दक्षिण पूर्व पवन भी लोग हो सकता है लगाए हों, लेकिन मेरे ख्याल से दक्षिण पश्चिम पवन इसका सही आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो यहाँ पर बड़ा ही आसान से क्वेश्चन पूछा गया, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, आराम से आप बता सकते हैं, बिल्कुल सही है, मणिपुर, ठीक है। मणिपुर राज्य से नहीं गुजरती, बाकी 3 से गुजरती है। यहाँ पर फिर से सुमेलित करने की बारी आ रही है, तरह सुमेलित वाले में वही हम लोग को देखना है, पहले एक ढूंढना है फिर बाकी ढूंढ लेंगे हम लोग। यहाँ पर म्यांमार की राजधानी क्या हो गई भैया, रंगून। तो ए का हो गया 4, और ए का 4 जो है केवल एक ही में है, बाकी कहीं और है ही नहीं, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15वें का सी हो जाएगा। देखो ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना है, कंफर्म नहीं करना है, पढ़ाना नहीं है आपको कंबोडिया की राजधानी बताने लगे, वियतनाम की बताने लगे, जब एक से ही आंसर कंफर्म है तो बाकी जगहों पर जाने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ऐसे आप लोगों को भी करना है आगे, अगर कोई एग्जाम देने जाते हैं तो ऐसे आप लोगों को भी करना चाहिए। यहाँ पर भी सूची का मिलान करना है, और यहाँ पर सबसे फेमस दो नदियाँ आपको देखने को मिल रही, दो तीन नदियाँ आपको देखने को मिल रही हैं, वो है डेन्यूब, नाइजर, पराग्वे। तो डेन्यूब से शुरुआत करते हैं, तो डेन्यूब जो है वो वियना शहर जो है वो डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। तो डी का क्या हो गया, 1 हो गया। अब डी का जब 1 हो गया तो डी का 1 केवल एक ही जगह पर है और कहीं है ही नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वें का डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 17वें का पूछा गया। जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रेरक गौर सम्मान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये भैया अपशिष्ट प्रबंधन और शहर की स्वच्छता से संबंधित है। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझते भी, अगर मान लेते हैं बाय द वे आपको नहीं भी आ रहा था ये, तो भी आप सोचती है प्रेरक दौर जो है वो इनमें में से किससे संबंधित हो सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रेरणा हमको दी जा रही है आजकल बहुत ही स्वच्छ भारत अभियान के लिए, तो अपशिष्ट प्रबंधन के लिए हो सकता था, ठीक है। वैसे इसको जो है करंट अफेयर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट था, अक्सर आपने पढ़ा होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या 0 है, तो अनुसूचित जनजाति की संख्या भैया 0 जो है वो आपकी नागालैंड में, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 में मनाया गया संकल्प पर्व, तो संकल्प पर्व जो है वृक्षारोपण से संबंधित था, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ए है। नीली क्रांति बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, तो मछली उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, 20वें का सी हो जाएगा। चित्रकूट जलप्रपात जो है ये इंद्रावती नदी पर है,
ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर? इंद्रावती नदी पर है। और अभी हाल ही में मैंने जो है आपको नदियों के बारे में सब कुछ बताया था, उसमें चित्रकूट जलप्रपात के बारे में भी बताया है मैंने। अब नदियों वाला चैप्टर आप देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा चित्रकूट जलप्रपात के बारे में बताया है। सतलज और काली नदी के बीच में आपको कुमायूं की पहाड़ियां मिलती हैं। जब हमने हिमालय की पहाड़ियों के बारे में बाइफरकेशन बताए थे सारे, तो उस समय इसका करेक्ट आंसर बताया था, सतलज और काली इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे लिखा गया नवीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB, ठीक है, नेशनल एफोरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड जो है, ये इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 1992 में करी गई थी। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं। लेकिन दोस्तों, कौन 29 जून 2020 को मनाया गया सांख्यिकी दिवस का विषय था? तो सांख्यिकी दिवस का विषय था सतत विकास का लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 तक हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, 25वें में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में देखें, पद्मश्री 2020 के लिए पूछा जा रहा है, इनमें से किसको मिला है? कंगना रनौत को मिला। और आप तो जान ही रहे हैं कि आजकल काफी ज्यादा न्यूज में है ये। 2020 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार मिले थे मरणोपरांत? तो मरणोप्रदान प्रदान किए गए थे भैया, चार चार लोगों को। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला गया? तो किस कोच को मिला था? ये पुलेले गोपीचंद को मिला था। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है भाई? 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, रटे रटाए क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल सरल से, कुछ जो है मॉडरेट लेवल के भी हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सारे सरल ही हैं। भारतीय नौसेना जनवरी 2020 में शुरू किया ऑपरेशन वनीला। तो ऑपरेशन वनीला भाई आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए था, आपको मालूम होगा अगर आपने थोड़ी सी भी करंट अफेयर्स पढ़ी होगी। तो संयुक्त राष्ट्र सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2020 निम्नलिखित में से किन देशों के बीच संपन्न हुआ था? तो ये भारत और यूके के बीच संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया, 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदर्भ में लिखो तो कौन सा कथन सही है? तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा है पहला, यह अभियान 10 फरवरी से 28 फरवरी 2020 तक चला था। दूसरा लिखा है इसका उद्देश्य जो है, बिल्कुल सही है पहला कथन, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या है? उसका उद्देश्य विभिन्न सांस्कृतिक एकता को मजबूत करना है। तो एकता को मजबूत करना है, बिल्कुल सही बात है। ए और सी दोनों, इसके ए और बी दोनों सही है, यानी आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे आप तो बड़ी सरल से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो बाद में आपको सॉल्व करके दे दूंगा कैसे इसको कैसे इसका आंसर आएगा। बाकी बहुत सिंपल है, आपको आ भी गया होगा शायद। एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है और आगे चलकर 3 सेकंड प्रत्येक मिनट 3 सेकंड का विलंब होती है, बताइए रेलगाड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ रहेगा, जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आएगा 1140 मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर रीजनिंग का है। तो इसमें पूछा गया किसी एक निश्चित कूट भाषा में अगर ही को 41 कहते हैं और शी को 49 कहते हैं, तो यहाँ पे भी अपोजिट करके जोड़ना है, ज़्यादा कुछ करनी करना है, तो डेम का आंसर क्या आएगा? तो आप भी इसको अपोजिट करके जोड़ोगे तो 62 आंसर आएगा। सॉल्व करके बताएंगे इसके बारे में, 34वें का आंसर आ जाएगा ए। 3 दिसंबर 2020 को रविवार था, 30 जनवरी 2001 को यानी 31 दिन बाद आपसे पूछा रहा कौन सा दिन था, तो भैया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुधवार। ठीक है, स्वप्न का जैसे संबंध है वास्तविकता से, अगर स्वप्न मतलब वास्तविकता से है तो मिथ्या का मतलब क्या होगा? तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं अपोजिट जैसा है यहाँ पर, तो मिथ्या का अपोजिट यहाँ पर क्या हो जाएगा? सत्य। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पर आपको भरनी है संख्या, संख्या भरनी है और ये इसका रिलेशन आपको आराम से इसको भी सॉल्व करके दिखाएंगे, इसका रिलेशन इससे, इसका इसके इसका इसके इसका इससे और इसका इससे रिलेशन आपको आराम से दिख जाएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर आने वाला है वो क्वेश्चन आएगा आपका 84। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षरों को दर्पण के समान प्रतिबिंब, दर्पण में एक समान प्रतिबिंब बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 11। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है भैया? ये कानपुर में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा शिक्षा परिषद की स्थापना जो है वो कब करी गई थी? तो ये 1995 में करी गई थी। ठीक है, और फिर यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, पहला पूछा गया आई आई वी आर जो है ये लखनऊ में नहीं है, IIVR जो है ये आपका वाराणसी में, तो यही वाला गलत हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं भैया, यहाँ पे पीतल की मूर्ति की बात करेंगे तो मथुरा इसका करेक्ट आंसर नहीं है, गलत है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में फिर से मिलान करना है, मिलान करना है तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं मेला और जनपद का मिलान हो रहा है। मेला और जनपद का मिलान तो देवीपाटन मेला बहुत ही फेमस, यूपी का सबसे फेमस मेला एक तरीके से कह सकते हैं, और ये आपको मिलेगा बलरामपुर में। तो ए का मिल जाएगा 2, और ए का 2 हमको केवल एक ही जगह मिल रहा है, बाकी जगह पे जाके बकवास करनी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 और 44 में देखते हैं, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? तो बुक्सा जनजाति भाई कहाँ रहती है? बुक्सा जनजाति सबसे ज्यादा जो है आपका बिजनौर में पाई जाएगी, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितने कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो भैया 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं।
कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, उच्चतम न्यायालय द्वारा करी जाती है, और उच्च न्यायालय, तो ए और बी दोनों से हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है ना। उसके बाद आपका आया है अगला क्वेश्चन यहां पर कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है भैया अधिकरण, ठीक है। आप इसका कमेंट बॉक्स में बताइए जरा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल ईजी है, आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। यहां पर भी निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, मौलिक अधिकार और अनुच्छेद उसके दिए हुए, तो गिरफ्तारी एवं निरोध से विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23 में नहीं है, किस अनुच्छेद में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जरूर बताइएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन आप फिलहाल यहां पर बताएंगे। WTO के अंतर्गत सरकारी समर्थन, सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया था उसे क्या कहा जाता था, उसे भैया नीला बॉक्स सहायता कहा जाता है, ब्लू बॉक्स सब्सिडीज कहा जाता है इसको, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 में चलते हैं। हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित में किस योजना के बजट आवंटन 2019-20 की तुलना में कम हुआ है, तो यह है मनरेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? मनरेगा। विपक्ष ने जो है इसके ऊपर काफी हल्ला भी किया था। निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें RBI अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग करती है, बिल्कुल बैंक दर को प्रयोग करती है, नगद आरक्षित अनुपात यानी कि कैश रिजर्व CRR इसको बोलते हैं, उसके बाद SLR का भी प्रयोग किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 कहाँ पर आ रहा है? बी में आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 51 करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 52 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है? चैत्र, वैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ऐसे करके क्रम आपने जरूर याद रखे होंगे। तो सबसे पहला मंथ कौन सा पड़ता है? चैत्र। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है? तो भैया ये मनाया जाता है तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। सारी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा बाद में, फिलहाल यहाँ पर आंसर मैच कर लेते हैं। भारतीय संस्कृति सांस्कृतिक पोर्टल में संदर्भ में लिखित कौन सा कथन सत्य है? तो इसे IIT रुड़की की टीम की तरह विकसित किया गया था। नहीं भाई, इसे IIT रुड़की की तरह विकसित नहीं किया, तो पहला कथन गलत है। यह सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है जहाँ पर संस्कृत सार्वजनिक डोमेन में से एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब कि इसका कथन केवल कौन सा सही है? दो सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली परत कौन सी होती है? लंबवत संरचना में सबसे निचली परत जो आपको मिलती है ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभ मंडल होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार्पेट्री में किया जाता है? बहुत ही बच्चों ऐसा आंसर है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। बिल्कुल आसानी से आपको इसका आंसर मालूम होगा। आलू के चिप्स प्लास्टिक थैले में संकुचित किए जाते हैं, संतुलित किए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन वातावरण में, ठीक है, नाइट्रोजन वातावरण में। उसके बाद 58 में चलते हैं। 58 में ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोग नहीं है, उपयोगी नहीं है? तो उपयोगी नहीं है ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन लिक्विड के लिए प्रयोग की जाती है। सफेद प्रकाश में उपस्थित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलन का रंग होता है? तो ये होता है लाल, आपने आसानी से देखा होगा, इसीलिए लाल रंग काफी दूर तक दिखाई देता है। हींग प्राप्त की जाती है, हींग प्राप्त की जाती है भैया जड़ से, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है, त्रिकोष्ठी हृदय जो है ये पाया जाता है उभयचरों में, एम्फीबियंस में, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो एक तो महाराणा प्रताप थे और दूसरा थे हकीम शाह सूरी। तो हकीम शाह सूरी यानी कि करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत की असफलता था फ्रांसीसी की असफलता के कारण कौन से या कौन सा कथन जो है वो सही है? तो एक है अंग्रेजों को बंगाल विजय के से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, ये सही है। अंग्रेजों को बेहतर नौसैनिक ताकत, ये डेफिनेटली सही है। तो करेक्ट आंसर जो है ये बिल्कुल हो सकता है, 90% हो सकता है, लेकिन इसमें जो है आप स्टार लगा लीजिए, हो सकता है आयोग जो है इसका कुछ आंसर अलग से दे, हो सकता है पहला वाला ना माने। तो लेकिन इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है राजद्रोही भाषाओं को रोकने का अधिनियम, ये 1907 में आया था, तो 1907 में आया था, यही वाला गलत हो गया। तो सही सुमेलित नहीं वाला, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। 64 के बाद 65 की तरफ चलते हैं। सूची 1 और 2 को मिलाना है और ये आपका विद्रोह दिए हैं। और देखिए ये अभी मैंने जो है अन अकेडमी में मैं जब प्लस में पढ़ा रहा था, अभी इन सारे के सारे विद्रोहों के बारे में, सारे चार के चारों विद्रोहों के बारे में मैंने डिटेल में, फुल डिटेल में बताया है, किसने किसने शुरुआत की, कब कब शुरुआत की, क्या क्या उसके रिजल्ट निकले, पूरा डिटेल मैंने इनके बारे में बताया था। तो देखिए ये अभी 3 दिन 2 दिन पहले ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है मैंने, जिन लोगों ने इसको पढ़ा होगा तो उनको ये अच्छी तरीके से क्वेश्चन के आंसर मालूम होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? तो अगर यहाँ पर मैचिंग करने की बात आ जाती है तो सबसे पहले रंपा विद्रोह की बात करते हैं। तो रंपा विद्रोह से सबसे ज्यादा फेमस जो है वो पावना विद्रोह है। तो पावना विद्रोह की बात अगर हम करते हैं तो ये शुरू होता है आपका 1873 से। तो ए बी का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा क्या? बी का 4। और बी का 4 हमको कहाँ मिल रहा है? बी का 4 केवल एक ही जगह मिल रहा है, कहीं और मिल ही नहीं रहा है। उसके बाद नील का विद्रोह, यहाँ पर अगर बंगाल
बंगाल नील कभी ध्रुव देखे तो उससे भावना से थोड़ा सा पहले मिलेगा, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद 65 के बाद 66 नंबर पर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के शासक जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया, खलीफा घोषित किया था मुबारक शाह खिलजी ने, और आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे, ये भी जुड़े थे, ये भी जुड़े थे, ये भी जुड़े थे, कौन जुड़े नहीं थे, बी सी दत्त जी नहीं जुड़े हुए थे, ठीक है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में लिखा तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो महात्मा गांधी से नेतृत्व किया था, बिल्कुल सही है। कांग्रेस को असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया, नहीं ये गलत है, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। निम्नलिखित अधिनियमों में किसके द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया, 1909 के एक्ट के द्वारा जो है इसको समाप्त किया गया, तो माल्य मिंटो सुधार इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है हमको, और विचार करके हमको ये बताना है कि काल क्रमानुसार कौन सा व्यवस्थित सही है। तो भैया सीआर फॉर्मूला, वेवेल योजना, अगस्त प्रस्ताव और क्रिस्प प्रस्ताव, तो आप अच्छी तरीके से इसमें देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर क्रिस्प प्रस्ताव और अगर अगस्त प्रस्ताव, केवल इन दो को ही देखें तो ये तो बड़ी फेमस तरीके से आपको अच्छी तरीके से याद होगा। तो इसमें ही अगर हम क्रम देखें तो पहले अगस्त प्रस्ताव आता है, फिर उसके बाद क्रिस्प प्रस्ताव आता है, और फिर आपको यहाँ पर सीआर फॉर्मूला मिलेगा, और फिर सबसे लास्ट में आपको वेवेल योजना मिलेगी एकदम लास्ट में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये वाला तो सुमेलित है, वैश्विक हितकारी सभा जो है ये बी आर अम्बेडकर जी की है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये सुमेलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद आगे चेक ही नहीं करना है कुछ हमें। 72 में चलते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे फसल वैसे सतल धान का खतपतवार जो है बथुआ नहीं है, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। 73 की तरफ चलते हैं। फसल यहाँ पे दी है, मौसम यहाँ पे दिया है, सबसे सरल क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। खरबूजा जो है आप गर्मी के समय में खाते हैं, जायद की फसल होती है, और आगे गर्मी लिख भी दिया है, तो गर्मी लिख करके इसे और ज्यादा सरल बना दिया गया, बल्कि अगर केवल जायद लिखा होता तो शायद लोगों को, बहुत कम लोगों को, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है खरीफ रबी और जायद की फसल में, ठीक है। तो यहाँ से बी का हो जाएगा 2, और बी का 2 हमको कहाँ मिलेगा, बी का 2 जो है हमको केवल एक ही जगह मिलेगा, कहीं दूसरी जगह मिलेगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ही हो जाएगा इसका, ठीक है। 74 में चलते हैं। फॉर्च्यून इंडिया की 500 कंपनियों की सूची के बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि अनुसार वर्ष 2019 में सबसे बड़ी निगम या कंपनी कौन सी थी, तो ये भैया रिलायंस इंडस्ट्रीज थी, बिल्कुल सही दिया, IRIL, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। अमेरिका आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा कथन सही है, GDP 2019 209 लाख करोड़ थी, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, ये बिल्कुल सही है, भारत और ब्रिटेन के दोनों पीछे छोड़ दिया है, बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 तो सही हैं, अब 1, 2 और 3 सही होने में चांसेस जो हैं, मुझे लगता है कि इसका करेक्ट आंसर जो है होना चाहिए 2 और 3, तो इसका करेक्ट आंसर मेरे अनुसार जो है सी होना चाहिए। तो अभी तक 2 क्वेश्चन मैं पीछे, और तीसरा ये क्वेश्चन है जिसमें मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, लेकिन मैं इसका फिर भी करेक्ट आंसर आपका सी मानता हूँ। 76वें नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, तो लिखा है नीचे दो दिए गए कथन हैं और इसके कथन कारण बताना है। लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 में एशिया रक्षा उत्पाद का सबसे बड़ा एक्सपो था, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कथन सही है। एक्सपो का आयोजन भारत को बढ़ते हुए रक्षा उत्पादों में प्रस्तुत करना था, बिल्कुल सही बात है। तो ए और आर एक दूसरे की समीक्षा करते हैं, तो कथन कौन सा सही हो जाएगा, ये ए सही हो जाएगा स्टेटमेंट आपका। 77 के बाद चलते हैं, 76 के बाद, और इसमें भी मैचिंग करनी है, मैचिंग करनी है, तो भाई ये लो जी मैचिंग यहाँ से कर सकते हैं हम लोग। स्रोत दिया है और प्रतिशत आय दिया, तो पूछा जा रहा है यहाँ पर लिखित केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुमानित आय के स्रोत हैं, और देखिए सबसे ज़्यादा निगम कर होता है, और निगम कर सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा 18% आ रहा है, तो ए का हो जाएगा 2, और अगर ए का हो जाएगा 2 तो कहीं और मिलेगा नहीं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है, जेनेटिक उद्योग में वैसे तो मेरे ख्याल से ये कृषि भी सम्मिलित है और मछली पकड़ना भी सम्मिलित है, लेकिन फिर भी ज्यादातर आंसर जो है मेरे ख्याल से कृषि आना चाहिए, फिर भी देखते हैं आयोग जो है वो किस प्रकार का आंसर यहाँ पर देता है, मेरे ख्याल से मछली पकड़ना भी इसमें होना चाहिए। निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, बिल्कुल सरल सा आंसर है, बिल्कुल सरल सा आंसर है, कौन सी छोटी सी नदी है, माही, ठीक है। और निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत की जनसंख्या इतिहास में महाभाजक वर्ष कहा जाता है, 2021 में पहली बार जनसंख्या घटी थी, और आगे जो है लिखा है तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना भैया झेलम नदी पे है, झेलम नदी पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे देखिए कूटों का सही इस्तेमाल करिए, रिहंद बांध सोन नदी की सहायक नदी पर है, रिहंद बांध हीराकुंड बांध महानदी के पर है, तुंगभद्रा ये भी सही है, कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, और मैथान बांध जो है वो दामोदर नदी की एक सहायक नदी, बिल्कुल सही है। 1, 2, 3, 4, 4 के चारों सही हैं इसमें, 82 का हो जाएगा डी।
भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हितकरण राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना हुई थी, तो हुई थी 2010 में। कब हुई थी? 2010 में हुई थी। अब यहाँ पर सही सुमेलित करने हैं देश और लॉयस उत्पादन के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बाकी सारे सुमेलित हैं, केवल जर्मनी वाला सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, जर्मनी का नॉर्मंडी नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर लिखे से कौन सा सुमेलित है, तो सुमेलित है वाले में यहाँ पर पूछा जा रहा है, यहाँ पर सुमेलित है पूछा गया है, तो यहाँ पर सुमेलित है भैया ये रूर, रूर औद्योगिक प्रदेश। रूर जो है आपका कहाँ पर है? जर्मनी में, ठीक है। रूर कहाँ पर है? जर्मनी में। निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है बोस्तवाना, ये पूर्वी तट पर स्थित आपको दिखाई देगा। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बहुत ही बच्चा बच्चा टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे, देहरादून में है। और ओशनिक नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है? भैया कच्छ में है ओशनिक नेशनल पार्क। उसके बाद भारत की पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत जो है कहाँ से चलाई गई थी? नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी, तो यहाँ पे वाराणसी से नई दिल्ली लिखी है, एक ही बात है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी तेल शोधन शाला जो है ये आपको जामनगर मिलेगा, जामनगर। भारत में निम्नलिखित नगरों में से किस देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया? तो ये लगाया गया सोनी पानीपत में, पानीपत में लगाया गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा है? भैया कितनी बार मैंने आपको एग्जाम में पढ़ाया हुआ है इसको, ठीक है। ये गुजरात में है, गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। निम्नलिखित शैल समूह में से कौन भारत के अधिक मात्रा में कोयला उत्पादन करता है? इसके बारे में भी आपको पूरा गोंडवाना समूह के बारे में भी 3-4 दिन पहले ही बताया मैंने, 3-4 दिन पहले इस पर चर्चा हुई है। बीओ के जो मेंस का बैच चला रहा हूँ उसमें ये चर्चा करी गई है। तो बीओ के मेंस के बैच से अगर आप जुड़ना है तो आप ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसी में बीओ मेंस 2020 लिख करके हमें सेंड करिएगा, आपको उसमें बीओ के मेंस के बैच से जोड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 के बारे में बात कर रहे थे, तो फरवरी 2020 में भारत की राष्ट्रपति की यात्रा हुई थी, तो अमेरिकी प्रथम महिला नागरिक मेलियन ट्रेम ने दिल्ली के विश्वविद्यालय में योग सत्र को देखा था, परीक्षार्थियों ने वार्तालाप किया था, बिल्कुल सही बात है। और उस यहाँ पर पूछा गया है कि ये विद्यालय मोतीबाग में बिल्कुल है, दिल्ली सर्वोदय नगर, बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन सही है। और इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? सी, फरवरी 2020 में गठित राम मंदिर ट्रस्ट के संबंध में दो सूची एक और दो को मिलाना है। तो महंत नृत्य गोपाल दास की अगर बात की जाए तो मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो एक हो जाएगा फोर और एक हो जाएगा फोर, तो दूसरा कोई आंसर मिलेगा नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा पी। किसे सर्वोत्तम फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया 2020 का? तो ये पैरासाइट। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ आयोजित किए गए थे पहली बार? तो ये किए गए थे भुवनेश्वर में। 98 नंबर में चलते हैं, तो हमें पता चलता है कि कथन और कारण के क्वेश्चन यहाँ पर कई सारे आए हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पर और आ गया है कथन कारण का। तो पूछा गया है कि 2020 में सीनेट में राष्ट्रपति के विरुद्ध चल रहे हैं माफियों की से बरी कर दिया गया, बिल्कुल सही बात है। और सीनेट में रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक सांसदों की संख्या अधिक है? नहीं, उल्टा लिखा है यहाँ पर, तो भैया ए केवल सही है और आर जो है वो असत्य है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 98 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। 99 की बात करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया फरवरी मार्च 2020 में आयोजन में के दौरान आयोजित आईसीसी महिला ट्वेंटी टी ट्वेंटी विश्व कप में कितनी टीमों ने भाग लिया था? कितनी टीमों ने भाग लिया? तो यहाँ पर भाई 10 टीमों ने भाग लिया। कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार जो है 2020 पाने वाले व्यक्ति कौन है? ये है NS धर्मशक्तु, ठीक है, NS धर्मशक्तु। उसके बाद आगे लिखा होने सही विकल्प चुनिए, 63 अगर 9 है तो 14 जो है वो किससे रिलेटेड होगा? तो इसका करेक्ट आंसर 68, ठीक है। उसके बाद सही युग में यहाँ पर चुनना है, अगर डायनासोर रिलेटेड टू ड्रैगन है तो इसमें ऐसा कौन सा है जो एक दूसरे रिलेट करता है इस तरीके से जैसे ये रिलेट कर रहा है? मेरी ख्याल से इसका आंसर जो है वो हिमबर्फ होना चाहिए, काफ़ी करेक्ट यही लग रहा है, बाकी तो रिलेवेंट नहीं लग रहे हैं, इसलिए बाकी हिमबर्फ भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी इतना रिलेवेंट यही लग रहा है। कौन सा अंक आगे आएगा? 8 से 15, 15 से 28, 28 से 53 बना हुआ है, तो आगे आएगा 102, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 102। क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ चलते हैं, 104 में, और ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसमें मैट्रिक्स दी गई है, तो मैट्रिक्स में इसका करेक्ट आंसर जो है आपका आ जाएगा 10, ठीक है, सॉल्व करेंगे हम लोग बाद में। मोहित अपने घर से भैया चला 15 किलोमीटर मुड़ गया और ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं 10। कौन सी संख्या जो है अन्य 3 से भिन्न है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 107 के लिए ससुर, किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 108 की बात करें तो भैया 2017 में किया गया था। सबसे किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? कम 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 वाली जगह है श्रावस्ती, श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश की कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई प्रतिशत कितना है? तो ये लगभग 30% है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए। 111 की तरफ चलते हैं, तो सुमेलित करना है यहाँ पर एक और दो को, तो इसमें पीतल का जो सामान है, पीतल का सामान ये आपका जो है स्वाभाविक साथ है मुरादाबाद, तो ए का हो जाएगा 3। अगर ए का हो गया 3 तो ए का 3 अगर यहां पर है तो कहीं और 3 है ही नहीं।
ठीक है। इसके अलावा बाकी सारे खेल का सामान भी आप इससे भी मैच कर सकते थे। खेल का सामान मेरठ, तो सी का हो जाएगा वन, सी का वन भी कहीं और नहीं है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। उत्तर प्रदेश का लोक गीत इनमें से कौन सा है, तो भैया बिरहा चैती ढोला, ठीक है, बहुत ही फेमस है, मुंह पे जवान पर रटा होगा लोगों के। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है, तो चरकुला कर्मा पांडव, ठीक है। व्यापारिक व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई है, किस जनपद में हुई है, अगर हम 114 नंबर क्वेश्चन बात करें तो भैया ये हुई है वाराणसी में, ठीक है। इफको यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है, तो इफको यूरिया कारखाना आंवला में स्थित है, ठीक है। फिर से यहाँ से भाग संविधान के भागों के बारे में यहाँ पर चर्चा करी जा रही है, तो संघ राज क्षेत्र जो है वो भाग सात नहीं है, कौन सा सही है इसका, करेक्ट आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। 117 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, तो यहाँ पर फिर से कथन और कारण के क्वेश्चन आ गए। कथन कारण के मेरे ख्याल से छठवां सातवां क्वेश्चन है ये, काफी सारे कथन कारण के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। राज्य कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों राज्यों को लागू करने का अनुपालन सुनिश्चित करने है, तो होता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करके आवश्यक निर्देश दे सकती है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर जो है, कारण तो सही नहीं है लेकिन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर मेरे ख्याल से ये आना चाहिए, तो 117 का हो जाएगा बी। 118 की बात कर लेते हैं, 118 में सूची का मिलान करना है हम लोगों को, बिल्कुल आसानी से आप यहाँ पर मिलान कर सकते हैं, और देखिए आपको आठवीं अनुसूची भाषा के रूप में याद होगी, तो बी का हो जाएगा वन, और बी का वन हमको दो जगहों पर मिल रहा है, अच्छा बी का वन दो जगह पर। नवीं अनुसूची, दसवीं अनुसूची जो है वो दल बदल से संबंधित है, तो दल बदल से संबंधित है, तो डी का हो गया दो, डी का दो हमको यहां पर मिल रहा है और तो कहीं मिल नहीं रहा है, बस करेक्ट आंसर यहीं पर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, अंतर राज्य परिषद 1990 सही है, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में बना था, तो 1952 बना था, तो ये तो मिसमैच हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी। 120 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, तो 120 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है नीचे दो कथन दिए गए, फिर से कथन कारण क्वेश्चन आ गया, और यहाँ पूछा गया जब देश के भुगतान में व्यापार में वस्तुओं में स्थानांतरण विशुद्ध आय के प्राप्तियों से अधिक होता है, तो चालू खाता घाटा कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, चालू खाता घाटा तब होता है जब एक देश दूसरे देशों में अधिक आयात करता है, नहीं निर्यात करता लिखा है, हाँ आयात होना चाहिए यहाँ पर, आयात होना चाहिए, तो समझ लो ये गलत है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए सत्य है, आर असत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। हरित बांड, हरित बांड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर पहला है हरित बांड जो है केवल जलवायु मित्र परियोजनाओं में होता है, बिल्कुल सही है, हरित बांड सर्वप्रथम जो 2009 में किया गया था, 2009 इसका करेक्ट आंसर है, तो फिर यही गलत हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। डिफेंस एक्सपो और उसके स्थान के विषय में देखो, डिफेंस एक्सपो भी एक क्वेश्चन और आ गया भैया, और एक क्वेश्चन अगर और आ गया तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये थोड़ा सा पुराना हो गया मैटर, ये थोड़ा सा मैच कर पाना थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन 2020 का अगर देखा जाए, 2020 का लखनऊ है, 2020 का क्या है लखनऊ, और 2020 का लखनऊ है, तो डी का हो गया थ्री, डी का थ्री हमको तीन जगहों पर दे दिया इन्होंने, पेपर सेटर से थोड़ा सा घुमा दिया। और अगर अगर हम 2019 की बात करते हैं, तो 2019 का चेन्नई में हुआ था, यानी कि सी का हो गया वन, और सी का वन हो गया, तो यहाँ पर ये इसका करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से होना चाहिए, फिर भी इसको एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, अगर गलत हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, अगर ये गलत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे चेक करके। 123 नंबर पर बात कर लेते हैं, 123 नंबर पर नीचे दो दिए गए कथन में ए, और फिर से कथन कारण आ गया, शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र CCRT की स्थापना जो है वर्ष 1979 में की गई थी, हाँ तो ये तो बिल्कुल सही है, और CCRT का उद्देश्य शिक्षण को जोड़ना है, बिल्कुल सही है, तो ए और आर दोनों जो है एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, तो कथन हो जाएगा ए। बांग्ला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका मेघालय में। जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत, जीवाश्मी ईंधनों में अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए एक बार बात की जाए, तो जीवाश्मी ईंधनों का एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत, अब देखिए यहां पर आयोग क्या लेता है, जो सूर्य से हमें जो ऊर्जा मिल रही है वो तो विकिरण के रूप में मिल रही है, खासकर अगर देखा जाए तो सूर्य से मिल रही है सबसे ज्यादा ऊर्जा, हमें सूर्य से मिल रही है ये बात तो है, अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स अगर देखा जाए तो हमारे पास एनर्जी का सोर्स जो है वो सूर्य है, जीवाश्म ईंधन जो है वो भी सूर्य के ताप से बनते हैं, बिल्कुल लिया जा सकता है, तो इस कारण से भी यहाँ पर सूर्य आंसर आ सकता है, मे बी कि यहाँ पे समुद्र पृथ्वी भी आंसर हो सकता है, तो मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर तो इसका होना चाहिए बी। पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे प्रेरक बल जो होता है वो सौर ऊर्जा होती है, बिल्कुल सही है, 126 का बी डी हो जाएगा। उनसे कौन सा लौह धातु के अपक्ष क्षयकरण में आवश्यक है, तो ऑक्सीजन और नमी दोनों आवश्यक है, तो बी
कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने सबसे कठोर धातु है? तो सबसे कठोर धातु यहाँ पर कह जाएगा हीरा। उसके बाद महासागरों द्वीपीय वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ चलते हैं। रामसार सम्मेलन जो है आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित है। उसके बाद विटामिन की बात कर लेते हैं। विटामिन चैप्टर हमने खूब पढ़ाया है, अनअकैडमी पे भी पढ़ाया है आपको, तो अनअकैडमी भैया ज्वाइन कर लो। जिसको इसको ज्वाइन करना हो विराट 10 का कोड यूज़ करिएगा, सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। ठीक है, सूची 1 और 2 को मिलान करते हैं यहाँ पर, तो हमें पता चलता है कि भैया विटामिन सी, इससे सरल तो कोई आ नहीं सकता। विटामिन सी कहाँ मिलता है? नींबू में। तो सी डी का हो जाएगा 2, डी का हो जाएगा 2, तो डी का 2 और कहीं है नहीं। नहीं, है दो जगहों पर है, तो अब हमें एक और मैच करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर कॉड लिवर ऑयल की बात करी जा रही है, तो विटामिन डी जो है वो कॉड लिवर ऑयल में पाया जाता है, तो बी का क्या हो जाएगा? 3। अब बी का 3 कहाँ हो रहा है इन दोनों में से? बी का 3 यहाँ हो रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। लाठी क्लब, लाठी क्लब भैया बाल गंगाधर तिलक का है। उसके बाद ईश्वर के बारे में सोचने के बाद मेरे पास वक्त नहीं है, तो ये सब तो ईश्वर से संबंधित है, स्वाभाविक बात है। किसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। रॉबर्ट क्लाइव का पुनः भारत आगमन, रॉबर्ट क्लाइव का पुनः भारत आगमन जो है करीब करीब ये हुआ है 1755 में। ठीक है, इसका करेक्ट ये हो गया 1755। इलाहाबाद की संधि की बात करें तो ये 1765 में हुई है। बक्सर के युद्ध की बात करते हैं तो 1764 में हुआ है। और वाराणसी का भारत का गवर्नर बनाया है 1771 में, 1772 है ना। तो अब इसको क्रम से लगाते हैं और घटनाओं पर विचार करना है और क्रम से लगाना है काल क्रमानुसार। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या देखोगे? सबसे पहले आप देखोगे बक्सर का युद्ध, है ना। नहीं, रॉबर्ट क्लाइव का भारत आगमन, तो ये हो गया 1, फिर उसके बाद 3, उसके बाद आपका 2, उसके बाद 4। तो 1 3 2 4, 1 3 है, कुछ गलत हो गया क्या? 1 3 2 4 ही इसका करेक्ट आंसर होगा, 1 3 2 4 होना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें जो है कुछ हेरा फेरी है, इसमें कुछ हेरा फेरी है, तो 1 3 2 4 होना चाहिए, 1 3 2 4 मेरे ख्याल से, 1 3 2 4। एक बार आप लोग भी क्रम इसका जरूर देख लीजिएगा, ईयर तो कहीं गलत नहीं लिख दिया मैंने। इलाहाबाद की संधि के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी हमने, और यहाँ पर फिर से आपके सामने इलाहाबाद की संधि जो है लिखी हुई चली आई। तो जब इलाहाबाद की संधि यहाँ पर लिखी हुई चली आई है, तो हम इसको मिला देंगे 1765 से। ठीक है, तो 1 हो जाएगा 4, और 1 और 4 होते ही करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। उसके बाद 135 और 136 में चलते हैं। रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो ये महाभारत का है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको युद्धों पर विचार करना है, युद्धों पर विचार करने में कन्नौज का युद्ध अगर हम देखेंगे तो भैया आपको 1540 में मिल जाएगा। आपको मालूम है चंदेरी का युद्ध, आपको मालूम है कि भैया 1528 में मिलेगा, बाबर के समय में हुआ था। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर जो सबसे पहले मिल रहा है हमको सेकेंड से शुरुआत करते हुए मिल रहा है, और 4 ऑप्शन में सेकेंड से शुरुआत करते हुए किसी और में है ही नहीं, तो करेक्ट आंसर हमारा मेरे ख्याल से बी हो जाएगा इसमें सब में। ठीक है, बाकी आप डेट आराम से लिख लोगे तब भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। चलिए 138 नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 138 नंबर क्वेश्चन में आपको घटनाक्रम मिलाना है। सब मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन भरे पड़े हैं इसमें, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। गांधी जी संयोजन 1931 में मिलता है आपको, पूना पैक्ट आपको 1932 में मिलता है, ये आपको 1929 में मिलता है, और ये आपको मिलता है 1930 में। तो बस अब आप यहाँ से सेट कर दीजिए, पहले 3 आएगा, पहले 3 आएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा, फिर उसके बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 4 1 2, 3 4 1 2 आपको यहाँ पर मिला, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद 139 में चलते हैं। 139 139 में आपको यहाँ पर सभा से सुमेलित करना है और सूची 2 से उसका मिलान करना है। तो भैया यहाँ पे अगर हम सभा से सूचित करते हैं, अगर उसका मिलान करेंगे तो हमको पता है इंडियन एसोसिएशन जो है, इंडियन एसोसिएशन ये आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है, तो 1 का हो जाएगा 2, 1 का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 1 का 2 है। अगर हम पूना सार्वजनिक सभा की बात करते हैं तो पूना सार्वजनिक सभा जो है महादेव गोरनाडे की अध्यक्षता में हुई है, तो यहाँ पर आप यहाँ पे महादेव गोरनाडे का, तो बी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। इम्पीरियल इम्पीरियल गजेटियर के संलग्नकर्ता कौन थे? तो ये थे विलियम विल्सन हंटर, तो यहाँ पर वीवी हंटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। तो ये हो गया 140 क्वेश्चन। दोस्तों ये जीएस के 140 क्वेश्चन आपके सामने समाप्त करे जा चुके हैं, और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सभी लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताइएगा। सभी लोग अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने कितने अटैम्प्ट किए थे ये जरूर बताइएगा, अटैम्प्टेड जरूर बताइएगा, जिससे पता चले कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है मैक्सिमम कौन कितने अटैम्प्ट किया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटैम्प्टेड थे, कितने सही हुए, कितने गलत हुए,
आप ये स्कोर यहाँ पर हमारे साथ शेयर जरूर करिएगा, और अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगता है तो आप उसका क्लेरिफिकेशन देते हुए भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए, जिससे कि मैं इसको और ज़्यादा शुद्ध कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा शुद्ध मैंने इसको करने का प्रयास किया है। तो मैं आपको अब ले चलता हूँ हिंदी की तरफ, ठीक है। इसके बाद अगला वीडियो आप देखिएगा, ठीक इसी के नीचे आपको मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसमें हिंदी को भी पूरी तरीके से जांच लीजिए, सेकंड शिफ्ट में हिंदी का पेपर कैसा आया था। तो अभी के लिए इतना ही, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।